गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ा था, आज नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। द सॉल्यूशन विच डू नॉट अवेयर आउट लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। देखो बेटा, वो सॉल्यूशन जो राउट लॉ को अवे करता, राउट लॉ अवे करता था इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, वो था आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बेटा, पी ए बराबर पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी वी नॉट इक्वल टू पी वी नॉट एक्स वी। द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन द प्रिडिक्टेड बाय द राउट लॉ। इसका मतलब क्या है बेटा, वेपर प्रेशर जो होंगे ऐसे सॉल्यूशन के, वो या तो ज्यादा होंगे या तो कम होंगे एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड बाय द राउट लॉ। जो राउट लॉ की इक्वेशन लगा के हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन देयर इज अ नोटिसेबल चेंज इन द वॉल्यूम एंड हीट एनर्जी व्हेन टू कंपोनेंट आर मिक्स। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आर नॉन आइडियल बिकॉज दे डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर मोर और लेस एक्सटेंट। क्योंकि बेटा जो देखो, नॉन आइडियल होने का मतलब क्या है कि जो उसके आइडियल बिहेवियर होते हैं उससे वो अलग बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। दस आर नॉन आइडियल सोल्यूशन, नन ऑफ द कॉम्पोनेंट अवेयर राउट लॉ ओवर इन इंटायर कॉम्पिटिशन रेंज। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो उनके वो कैसे होंगे, पहले तो बेटा क्या होगा कि उनके इंटायर कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन होगा, यानी कि इंटायर कंसंट्रेशन पे वो राउट लॉ को अवे नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। और नेक्स्ट क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट अवे राउट लॉ एंड द एक्विप्लेस बाय द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग फॉर्मेशन। देखो पीछे वाले में चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन एंथैल्पी जीरो था, बट इसमें ऐसा नहीं है, ड्यूरिंग रिएक्शन वो चेंज होता है, ठीक है। ये आप खुद देख लो, बिकॉज मैंने जो ऊपर पढ़ाया सेम यहां पे इट इज आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एक्चुअल सॉल्यूशंस के या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव डेविएशन, यानी कि या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड शो कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। अगर पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कैसे है, मान लो बेटा हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जिसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है। इफ ए बी इंटरेक्शन इन द सॉल्यूशन इज वीकर देन ए ए और बी बी। देखो अब देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं कि हमने दो कंपोनेंट लिया ए और बी। मैंने एक चीज आपको ये भी बताया था कि कोई भी चीज एक दूसरे में डिसॉल्व तब होगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नियरली इक्वल या एक जैसे होंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूशन में वो कमजोर है एज कम्पेयर टू जब हम ए और ए मिला रहे हैं या बी और बी इंट्रैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। देन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम मोर देन द प्योर लिक्विड। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर इनकी इंट्रैक्शन कमजोर है, ठीक है, इंट्रैक्शन कमजोर है, इसका मतलब ईजिली एक दूसरे में मिल नहीं पाएंगे, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, जो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी है, मतलब वेपर में जाने की टेंडेंसी, यानी एस्केपिंग मतलब उड़ना, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग तो ये नहीं होता बट हम समझाने के लिए कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी होगी मिक्सचर की वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर। एज ए रिजल्ट ईच कॉम्पोनेंट सोल्यूशन हैज पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउट लॉ। इसका मतलब क्या होगा बेटा, क्योंकि इनकी जो इंट्रैक्शन है वो एक जैसी नहीं है, इस करके क्या होगा, इनकी जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। द टोटल वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन कोरोस्पॉन्डिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ आइडियल। देखो बेटा, अगर इनकी टोटल वेपर प्रेशर भी हम निकालेंगे वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड, जो हमने एक आइडियल सोल्यूशन का मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसके मुकाबले में इनका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन अगर हम मैथमेटिकली शो करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या था कि पी ए बराबर था पी ए नॉट एक्स, इसमें क्या है पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर से, इसी तरह यहाँ पे पी बी भी ज्यादा है, तो अगर इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, यानी कि पी ए प्लस पी बी इज ऑलवेज ग्रेटर होगा इसकी वैल्यू से, ठीक है।
मतलब इनका इनको जब प्लस करेंगे ये हमेशा, देख पीछे वाले में क्या था, ये बराबर था, ये बराबर था ये, ठीक है, हम क्या बोलते थे पी बराबर पी ए प्लस पी बी बराबर ये वाली वैल्यू, बट इसमें क्या था, ये वाली वैल्यू एक्चुअल की टोटल वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगा हमेशा प्योर वाले से। द पॉजिटिव डेविएशन हैज शोन इन फिगर, इस वाले फिगर में बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है, इन विच द डॉटेड लाइन शो द आइडियल बिहेवियर। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना अब, ये वाली और ये वाली, ये क्या शो कर रहा है बेटा, आइडियल बिहेवियर। ए फ्यू एग्जाम्पल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन क्या है, इथाइल अल्कोहल एंड क्लोरोहेक्सेन, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड और एक्सेट्रा, ये क्या है पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या पॉजिटिव डेविएशन का, लेट अस एक्सप्लेन द कंसीडरिंग द सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और क्लोरोहेक्सेन। हम क्या क्या बोल रहे हैं, इथाइल अल्कोहल और क्लोरोहेक्सेन लेके हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इथाइल अल्कोहल द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, C2H5 है बेटा, साथ में क्या है OH है, और आपको पता है ना कि जो वाटर होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरह ही होता है, इनका जो यहां से डॉटी होता है, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन से इस तरह ये जुड़े होते हैं, फर्दर ये दूसरे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ऐसे बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसे उसी तरह इथाइल अल्कोहल में जो ये एक इथाइल अल्कोहल दूसरे जुड़ा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन द क्लोरोहेक्सेन इज एडेड टू द इथाइल अल्कोहल द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोहेक्सेन टेंस टू ऑक्युपाई द स्पेस बिटवीन इथाइल अल्कोहल। क्या बोल रहे हैं कि जब हम क्लोरोहेक्सेन को ऐड करते हैं इथाइल अल्कोहल में तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है क्लोरोहेक्सेन का वो किस स्पेस में जाना शुरू कर देते हैं, इथाइल अल्कोहल के। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, सम हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल ब्रेक। देखो इथाइल अल्कोहल में तो क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है बट क्लोरोहेक्सेन में नहीं है, बट जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो जो क्लोरोहेक्सेन है वो किसके स्पेस में जाना शुरू हो जाता है, इथाइल अल्कोहल के, जिससे क्या होता है इथाइल अल्कोहल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है टाइम के साथ ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि क्लोरोहेक्सेन उनके स्पेस में आ चुका होता है। सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल ब्रेक एंड अट्रैक्टिव फोर्स इन अल्कोहल मॉलिक्यूल वीकन। इससे क्या होता है, जो अल्कोहल मॉलिक्यूल, देखो अल्कोहल मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्ड करके ये क्या है अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड करके ये जुड़े होते हैं, उसी तरह जब हम उसमें साइक्लोहेक्सेन डाल रहे हैं तो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है, कम होती जाती है। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल एंड क्लोरोहेक्सेन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सोल्यूशन इंक्रीज। इससे क्या होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज होने लग पड़ता है इन दोनों का, कॉन्सिक्वेंटली द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी ज्यादा होता है। देखो एस्केपिंग टेंडेंसी इनकी इंक्रीज होने लग पड़ती है प्योर से, अगर मैं प्योर क्लोरोहेक्सेन या इथाइल अल्कोहल देखूं उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी और उनकी मिक्सचर की एस्केपिंग टेंडेंसी में वेरिएशन आने लग पड़ती है, मतलब ठीक है, उसी तरह इनकी वेपर प्रेशर भी ज्यादा होने लग पड़ता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, और इनकी जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है वो पॉजिटिव आती है बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए AA और BB बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सॉरी क्योंकि ए और बीबी बॉन्ड क्या है अट्रैक्टिव फोर्सेस है। नेक्स्ट क्या है, एंड ये भी बेटा यहां लिखा है कि ये प्रोसेस कौन सा है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर होगा तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। देखो बेटा क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो रहा है जब हम एडिशन कर रहे हैं क्लोरोहेक्सेन की इथाइल अल्कोहल में, तो हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इन सोल्यूशन द मॉलिक्यूल विल लूजली हेल्ड एंड देयरफॉर देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम मिक्सिंग। यानी कि अब देखो जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जो इंट्रैक्शन है वो कम हो रही है, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आज हमने इतना ही करना है।